हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आपके भाई के बाद बड़े छोटे छोटे से हो गए, अजीब से लग रहे हैं वैसे थोड़े से मुझे, बट पता नहीं आपको कैसे लग रहे होंगे, मुझे बड़े अजीब से लग रहे हैं छोटे छोटे बाल। तो अभी मैं आया हूँ अल्फा मॉल, और अल्फा मॉल के बाहर बैठे हुए हम, आप देख सकते हो ये पीछे का नज़ारा, और उधर देखोगे अगर तो वो है अल्फा मॉल का एंट्रेंस। तो मैं अल्फा मॉल के बाहर बैठा हूँ, और मैंने सोचा है चलो एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए जो कि सबसे हॉट टॉपिक है लातविया का। बताओ क्या है। हमारे मेरे साथ दोस्त है मेरा भाई। तो भाई ये हमारे आंध्र प्रदेश से है ना? हाँ। कहाँ से? हैदराबाद, फ्रॉम हैदराबाद। तो ये हमें बिरयानी कब खिलाओगे हमें? हैदराबादी आज रात, हैदराबादी बिरयानी। चलो आपके माने, मेरी बिरयानी पक्की हो गई आज रात की। फिलहाल हम लोग मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं आपके ऊपर, जो हॉट टॉपिक है सबसे ज़्यादा लातविया का, वो है नौकरी यहाँ पार्ट टाइम के ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक ये, मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ, लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं। और इनफैक्ट कोई हंसने की बात भी नहीं है, पर क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत भी है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं उनकी वो आते हैं ही इसलिए कि यार पार्ट टाइम अपना खुद की पढ़ाई भी कर लें और साथ साथ उसी की फ़ीस भी भर दें। तो यार पहली बात, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं जॉब्स के ऊपर यहाँ, तो मैं पहला आपको बताता हूँ। तो एक ऑप्शन तो बह रहे हैं बोल्ट, राइट, जो हर यहाँ कर ही रहा है बंदा, मोस्टली जो इंडियंस हैं वो आपको बोल्ट करते हुए दिख ही जाएंगे यहाँ। अब बोल्ट में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए लोग बोल्ट को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बोल्ट आप करोगे, बोल्ट इज़ बेसिकली अ फूड डिलीवरी जॉब। जो अगर आप अभी तक लातविया के वीडियो रिसर्च सर्च कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, बहुत सारे वीडियो तो आपने देख ही लिए होंगे, बहुत सारे लातवियन यूट्यूबर्स बना ही रहे हैं इस बात पे कि जो बोल्ट है वो है जो बोल्ट है वो है हमारा फूड डिलीवरी जॉब, और उसमें ज़्यादातर इंडियंस कर ही रहे हैं, बहुत सारे लातवियंस भी करते हैं, राइट। बट इसके अलावा बोल्ट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इंडियंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मतलब दो बेसिक जॉब्स हैं, एक तो बोल्ट ही है डिलीवरी की, तो आप वो साइकिल से भी कर सकते हो, कार से भी कर सकते हो, और बाइक से भी कर सकते हो, राइट। तो आप साइकिल से कर रहे हो तो आपको पास की डिलीवरी मिलती है, अगर आप बाइक से कर रहे हो, स्कूटर से कर रहे हो, थोड़ी दूर की मिलेंगी, कार से हम लोग करोगे तो काफ़ी दूर की भी मिलेंगी, दूसरी सिटीज़ की भी मिल जाती हैं कई बार डिलीवरीज, राइट। तो आप वो कर लोगे, उस हिसाब से आपका जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उस हिसाब से आपके उससे ज़्यादा पैसे होते हैं। पर वही है, जब आप कार से जाते हो तो आपका पेट्रोल भी लगता है, साइकिल से जाते हो तो आपको कुछ नहीं लगने वाला, सिर्फ आपकी एनर्जी लगने वाली है जो आप साइकिल के पैडल मारते मारते आपकी खर्च होगी, राइट। तो उस हिसाब से, पर बेसिकली मिनिमम जो आपको पर डिलीवरी कॉस्ट मिलता है वो मिलता है 2 यूरो के आसपास, 2 यूरो मिलता है आपको उसमें साइकिल पे, और जैसे जैसे कार होती आती है तो उससे आपका कॉस्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि आपका पेट्रोल भी इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। फिलहाल पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो लोग भी जो कार से भी कर रहे थे डिलीवरी, वो सोच रहे हैं कि भाई क्या करा जाए, राइट। इसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन है कबाब शॉप। कबाब शॉप में यार बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं और अच्छे लोग भी मिल जाएंगे। स्कैमर्स मैं इनको बोल रहा हूँ जो कबाब शॉप के ओनर्स हैं, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनमें सैलरी नहीं मिलती बाद में, और वो बहुत सारे लोग चैलेंज कर देते हैं उसको कि यार जाओ जो करना है कर लो, नहीं दे रहे सैलरी तुम्हारी। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट कहाँ चैलेंज करेंगे इस चीज़ को, कहाँ कहाँ भटकेंगे, तो छोड़ देते हैं ज़्यादातर सैलरी अपनी। तो कबाब शॉप में जब तक आपको वर्क एग्रीमेंट ना मिल जाए, यू नो, जब आप यहाँ आ रहे हो कि कोई कबाब शॉप में आपको बंदा वो दे रहा है रिटर्न एग्रीमेंट काम का कि मैं आपको काम कर रहा हूँ इतने यूरोज़ पर घंटे दूंगा, जब तक आप कबाब शॉप पे काम मत करो, मेरा तरीका ये है। और वो आपको ऑफ़र करेंगे जब तक आपका आरपी नहीं आएगा उससे पहले भी कि आप कर लो इलीगली। कुछ लोग इलीगली भी करते हैं काम बिना आरपी के आने के पहले, उसमें आपको वो कैश में दे देंगे पेमेंट, राइट। तो यार कैश में पेमेंट मिल जाएगी, और कुछ लोग देते भी हैं, कुछ लोग अच्छे ओनर्स होते हैं वो आपको रख लेंगे, काम करा लेंगे, आपको पैसे भी देंगे, कुछ लोग भाई नहीं देंगे। तो ये तो आपको कॉल लेना पड़ेगा कि आपको करना है, इसके साथ रिस्क लेना ही नहीं लेना। कबाब शॉप में भी आपको 2 यूरो से स्टार्ट होता है घंटे का, पर 2.5-3-4 यूरो भी मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द स्केल आपकी इतनी है। डिश वॉशिंग में कितना पैसा मिलता है? 3 यूरो 2.5 यूरो घंटा,
तीन यूरो मिल जाता है घंटे का, डिश वॉशिंग करने का, डिश वॉशिंग और कुछ कुछ आपको लुक आफ्टर करना होता है चीज़ें आसपास, शेफ़ के आसपास, मतलब एक तरीके आप शेफ़ के हेल्पर की तरह काम कर रहे हो, तो 3 यूरो से स्टार्टिंग होता है, 3-4 यूरो मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप शेफ़ हो, आपको आता है कुछ पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ये सब बनाना, तो आपको मिल जाते हैं 4 यूरो 5 यूरो भी मिल जाता है आपको, 5 यूरो 6 यूरो मिल जाता है ना शेफ़ को, मिल जाता है 5-6 यूरो पर घंटा, पर इसके ऊपर टैक्स अलग से लगता है। यह और दिस इज़ आफ्टर टैक्स, वही जो यार टैक्सेशन यार ज़्यादा अच्छा खासा है, तो आपको आफ्टर टैक्स पड़ेगा 6 यूरो का। अच्छा टैक्स यहाँ 40% है, राइट, 40% टैक्सेशन है यहाँ, और वैसे 30% है अगर आपकी सैलरी 1000 यूरो के ऊपर कहीं 1200 के ऊपर निकल जाती है तो 40% टैक्स है। जितना ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा टैक्सेशन सिस्टम, वो तो खैर आपको पता ही होगा हर जगह इतना ऐसा ही है, जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा टैक्सेशन, पर यहाँ टैक्सेशन अच्छा खासा है, 40% टैक्स है अगर आपका 1000-1200 के ऊपर सैलरी है, तो आपका 30% टैक्स भी लगेगा, तो आपका 6 यूरो मिलेगा, तो 4 यूरो बचेगा आपको आफ्टर टैक्स, अगर आप टैक्सेशन के साथ काम करोगे। इलीगली करोगे अगर आप बिना उसके, तो आपको पूरे पैसे आपके हाथ में, पर अगर आपको मिल जाए तो, अगर नहीं मिले तो वो बढ़ भी सकते हैं, तो क्योंकि कैश में तो उनको टैक्स नहीं भरना, आपको भी टैक्स नहीं भरना, राइट। तो ये तरीका है। दूसरा है आपका कबाब शॉप, मैंने बता ही दिया आपको। तीसरा ना, बहुत सारी यहाँ टिकट सेलिंग जॉब्स है, जिसको कहते हैं हम ITN और ITS, दो कंपनीज हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, ITN और ITS, दोनों टिकट सेलिंग जॉब्स है। टिकट किस चीज़ के, एयर फ्लाइट टिकट्स। तो अब फ्लाइट टिकट्स के इतने लोग बेच रहे हैं और इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट टिकट्स अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। मैंने जब पता किया ये सब, मैंने पूछा लोगों से, और मैं इसलिए पहले वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं खुद भी गैदर कर लूँ, फिर आपको ये बताऊँ। तो फ्लाइट टिकट्स ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं, वो अपने एजेंट्स को हायर करते हैं, और एजेंट्स जो होते हैं वो फ्लाइट आपका जो ट्रैवल है वो देखते हैं, इटनरी, आपकी ट्रैवल इटनरी कि कब किसको कैसे ट्रैवल करना है, तो वो आपको अच्छे टिकट अच्छे प्राइजेस दे देते हैं एजेंट्स। तो ज़्यादातर लोग एजेंट्स को हायर करते हैं यूरोप में और अमेरिका में, तो इसलिए काफ़ी डिमांड रहती है टिकट सेलिंग जॉब्स में, अच्छी खासी डिमांड है सारे लोगों की, स्टूडेंट्स काफ़ी काम करते हैं उसमें। उसमें आपको कमीशन बेसिस भी मिलता है, ITN में शायद आपके हाथ में 550 यूरो आता है आफ्टर टैक्स, 500-550 यूरो आता है आफ्टर टैक्स, पर आपका कमीशन आपका पड़ता है 20% आपको मिलता है ऑफ द सेल आफ्टर 4000 यूरो का आप जब बना देते हो, शायद 4000 या 5000 मुझे याद नहीं है, 4000 यूरो जब आप बना देते हो उनके लिए प्रॉफिट उनका महीने का, उसके ऊपर आपका कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है आपको पर सेल, राइट। पर एक और तरीका होता है जिसमें आपको परमानेंट फुल सैलरी जो 550 यूरो है वो नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको कमीशन ही मिलेगा, वो एक दूसरा इनका स्केट तरीका है ITN में जॉब करने का, जिसमें आपको परमानेंट सैलरी कुछ नहीं मिलने वाली, बेस सैलरी कुछ नहीं मिलने वाली, जितना काम करोगे उतना मिलेगा, 20% ऑफ द सेल मिलेगा आपको, राइट, 20% ऑफ द प्रॉफिट, कंपनी को जितना प्रॉफिट जनरेट करोगे उसका 20% आपको मिलेगा। तो एक तरीका दूसरा है ITN में जॉब करने का, ITN और ITS, दो टिकट सेलिंग जॉब्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चौथा एक ऑप्शन क्या है, चौथा एक ऑप्शन ये है कि आप फैक्ट्रीज़ में काम करो। फैक्ट्रीज़ में काम करना बहुत मुश्किल है, हार्ड वर्क है, बहुत लेबर है, लकड़ी वकड़ी उठा के रखो यहाँ, मतलब वो लेबर जॉब्स हैं बेसिकली, उसमें अभी आपको 2-3 यूरोज़ ही मिलते हैं आफ्टर टैक्स, 3 यूरोज़ ऐसे मिलते हैं आपको, वो काफ़ी लेबोरियस काम होता है, और ज़्यादातर मैं देखा कैमरून के या जो ब्लैक्स हैं, जो कैमरून के लोग हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि दे आर रियली स्ट्रॉन्ग है, इंडियंस ज़्यादातर वहाँ नहीं टिक पाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। एज़ पर माय दोस्त जो मैंने एलेक्स जो आप जानते होंगे, अगर आप मेरा दूसरा वीडियो आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, उड़ता एरो उड़ता तीर, जो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया चैनल बनाया है, जिसमें मैं अपनी सारी ट्रैवल जर्नी और मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ उसके डेली व्लॉग्स डालता हूँ, अगर आप उसमें देखोगे तो एलेक्स नाम का एक बंदा है जो मेरा फ्रेंड है अलेक्जेंडर, जो बेसिकली लैटवियन है, तो वो एक अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है ऑलरेडी, तो उसने मेरे को ये इन्फॉर्मेशन बताई थी कि इंडियंस उसने जितने भी रखे वो तो सारे भाग गए, क्योंकि उनसे काम होता है, और जो डार्क कलर स्किन पीपल है कैमरून नाइजीरिया दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो बेचारे लेबर जॉब्स भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसने वो गया था बेचारा फार्म्स में काम करने के लिए, स्ट्रॉबेरी फार्म्स, वहाँ स्ट्रॉबेरी प्लक करता था वो, और वो कुछ दिनों में ही पस्त होकर आ गया, वो इंडियन था, पर उसने बताया कि जो वहाँ ब्लैक्स थे वो बहुत ख़तरनाक काम कर रहे थे, मैंने जितना टाइम में वो कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ता था ब्लैक्स उससे डबल लेके आ जाते थे तोड़ के, दे आर वेरी
हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे आर वेरी क्विक, यू नो। तो ये कहानियाँ हैं अलग अलग। तो अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो, मेरे दूसरे चैनल को, तो आपको कुछ कुछ अपडेट्स वहाँ से भी मिलते रहेंगे। बाकी लातविया के बारे में बेसिक कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो मोटी मोटी है वो मैं डालता हूँ, कुछ कुछ जो कुछ कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। चलिए अब हमारी बात हो गई किस चीज़ की भी, तीन में बता दी, चार आपको ऑप्शन बता दिए। उसके अलावा के ऑप्शन, उसके अलावा ऑप्शन भाई ये है कि आप सीख लो कोई आईटी लैंग्वेज, राइट। तो आईटी लैंग्वेज आप सीख लोगे तो आईटी लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ आईटी की डिमांड हमेशा रहती है, तो आप आईटी लैंग्वेज सीख लो, फिर आके यहाँ की लैंग्वेज सीख लो, इनकी लैतवियन लैंग्वेज, फिर तो आप इनके दमाद हो गए। अगर आपको आईटी लैंग्वेज आ गई और लैतवियन लैंग्वेज आ गई, फिर आप समझो कि आप हीरो, क्योंकि आईटी के प्रोफेशनल्स यहाँ बहुत कम है, इनकी डिमांड हमेशा रहती है। और लैतवियन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो फिर तो आप यहाँ से कम्युनिकेट भी कर लोगे इन लोगों से भी। पर अगर नहीं भी आती है लैतवियन लैंग्वेज तो अभी आईटी की तो कंपनीज बहुत है, तो आपको अगर आपको वो आती है क्या कहते हैं लैंग्वेज लाइक क्या कहते हैं इसको जावा ब्लू जावा पाइथन, ये लैंग्वेज आती हैं तो इसके जॉब्स तो यहाँ हैं, राइट। एसेंचर एक कंपनी है, सॉरी बड़ी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मतलब जैसे मेरा भाई है ये अप्लाई कर रहा है, इसको जो ऑलरेडी आईटी में एक्सपीरियंस है, मतलब आईटी के उसे नॉलेज है। तुम्हें कौन सी लैंग्वेज आती है? पाइथन, नाइस। तो इसको भाई पाइथन भी आती है, जावा स्क्रिप्ट, HTML भी आती है, बट तब भी अभी ये स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो यार पर मेरे हिसाब से मिल जाएगी आई एम श्योर, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा पर मिल जाएगी, क्योंकि आईटी की डिमांड से यहाँ है, कुछ मे बी कुछ लोग हायर कर लेंगे एज अ फ्रेशर भी, पर एक्सपीरियंस भी मांगते हैं और फिर लैंग्वेज भी मांगते हैं, यहाँ की लैतवियन लैंग्वेज या फिर रशियन लैंग्वेज, दोनों में से कुछ होना तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको यहाँ कुछ दिन ज़्यादा बिताने हैं तो। वरना मैं जानता हूँ लोगों को जो यहाँ 5-5 साल से रहते हैं, उनको लैतवियन लैंग्वेज के 4 शब्द भी नहीं आते, बट दैट इज़ बैड, आपको आने चाहिए। चलिए इसके अलावा तो आपके आईटी जॉब्स अगर आपको आते हैं, आपको आईटी की पता है आपको, तो वो आपके लिए एक एडवांटेज है और आपको उसके जॉब्स मिल जाएंगे। उसके अलावा कसिनोज हैं यहाँ, तो कसिनोज में आप काम कर सकते हो एज अ गेम प्रेजेंटर, उसके लिए हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बहुत सारे जो हिंदी स्पीकिंग बंदे हैं उनके लिए ये बेनिफिट है कि आपको हिंदी आती है, तो हिंदी स्पीकिंग पीपल उनको चाहिए होता है कसिनो में एज अ गेम प्रेजेंटर, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। और उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि उसमें इतना हार्डवर्क नहीं है, पर उसमें लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है, वो एक इशू है। तो जब आप आओगे यहाँ तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दो कंपनीज हैं, तीन चार कंपनीज हो गई हैं अब कैसीनोज की, बहुत कॉमन, एक तो यूरो एवोल्यूशन है, दूसरी है यूरो लाइव, तीसरी है ऑन एयर, और एक कंपनीज और है, चार मेजर कंपनीज हैं जो आपको कैसीनोज में आपको हायरिंग कर सकते हैं आपकी। सॉरी लकी स्ट्रीक भी एक कैसीनो है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा तो मतलब आपको 5 मैंने कैसीनोज भी बता दिए जहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, अगर लैंग्वेज नहीं आती इंग्लिश भी आती है तो इंग्लिश में भी उसमें जॉब मिल जाती है आपको। चलिए 5 ऑप्शंस हो गए ये, राइट। अब और क्या ऑप्शंस हैं, और क्या ऑप्शंस हैं उसके लिए मेरे हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस और भी मिल जाएंगे आपको, पर उसके लिए लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो ये 5 ऑप्शंस तो आप रखिए जहाँ आपको बिना लैंग्वेज के कहीं ना कहीं आप घुस सकते हो एटलीस्ट, पर उसके आगे आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है। चलिए इन शॉर्ट ये छोटा सा स्मॉल वीडियो मैं बनाया जॉब्स से रिलेटेड, मोटा मोटा ओवरव्यू देने के लिए आपको कि किस तरह के जॉब्स यहाँ अवेलेबल है। उसके आगे और कुछ डिटेल में वीडियो हम बनाएंगे आगे चल के, और ये तो मैं आया था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक बेसिक बनाता हूँ, जिससे कि कुछ लोग जो अभी नए नए जुड़े हैं उनको ये तो पता हो कि किस तरह के जॉब्स यहाँ अवेलेबल है। चलते दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप किसी बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे इंफॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज़ पुट योर क्वारीज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ और उसके बारे में वीडियो बनाऊँ। और अगर दैट्स इट, और आप अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर उसमें भी बहुत सारी अपडेट्स आते रहते हैं जो मैं डेली रूटीन में कर रहा हूँ और किन लोगों से मिल रहा हूँ, तो आपको लैतविया के बारे में उससे भी बहुत कुछ पता चलने वाला है। बट दैट इज़ मोर ऑफ माई डेली रूटीन वॉट आई एम माई डूइंग, राइट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक तो कर दो मेरे भाई,
शेयर करो और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब तो आई एम श्योर आपने किया ही होगा, ठीक है, और लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।